सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। आजमगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में पटेदारों पर मर्डर का आरोप, 3 नामजद पर मुकदमा। बागपत में मां बेटे ने घर में घुसकर बोला हमला, एक परिवार के 2 लोग घायल, पंडित बोले शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी। फतेहपुर में एसपी के फॉलोवर की ट्रेन से कट कर मौत, बेटा बोला ड्यूटी करने के बाद घर लौट रहे थे, जेब में मिले आईडी कार्ड से हुई पहचान। मेरठ का नोहर लाल गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल बर्खास्त, सीसीएसयू प्रशासन बोला कुलपति अनुमोदन जरूरी। मुरादाबाद में एबीएस से लिखता था फर्जी नाम से गंदी चिट्ठियां, लेटर भेजकर टीचर्स के कैरेक्टर पर सवाल उठाता था। आगरा में दीपोत्सव के लिए पुलिस ने की तैयारियां, बाजारों में पुलिस तैनात, ट्रैफिक संभालने को बनाया गया व्यवस्था प्रभारी। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने का रैकेट खुलासा, प्रयागराज में ब्लड बैंक से प्लाज्मा लेकर 50-50 ml के पैकेट 5,000 तक बेचते थे। दिल्ली आगरा हाईवे पर सवारियों से भरा कंटेनर पलटा, शराबी ड्राइवर और क्लीनर हुए फरार, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। भदोही में मोबाइल की छिनैती करने वाले 4 लुटेरे गिरफ्तार, राहगीरों से छीनते थे मोबाइल, अभियुक्तों के पास से फोन और बाइक बरामद। बीडीएस की छात्रा की मौत का राज खोलेगा मोबाइल, क्लासमेट पर छेड़छाड़ के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप। मथुरा में विधवा माताओं ने जलाई खुशियों के दिए, वृंदावन में निराश्रित एवं विधवा माताओं ने मनाई दीपावली। फेस्टिव सीजन में बुखार का कहर, डेंगू से तड़प रहे मरीज, सरकारी और निजी अस्पताल में आईसीयू बेड फुल। आरएसएस ने चलाया एक दीप तीर्थ के नाम अभियान, संभल के मनोकामना तीर्थ पर दीप जलाकर किया शंखनाद, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। ट्रेन के स्लीपर कोच में पढ़ी गई नमाज, गलियारे में बिछाई चादर, 4 लोगों ने की नमाज, यूजर बोले हिंदुओं को दिखाया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच में एक होटल को किया सील, मानक पूरा न होने पर 2 को दी चेतावनी, होटल मालिकों में हड़कंप। फरुखाबाद में हिस्ट्री शीटर को मारी गोली, घायल सट्टे का विरोध करने पर झोंका फायर, पुलिस चौकी से चंद कदम दूर की घटना। पुलिस की निगरानी में हुआ बलिया की बेटी का दाह संस्कार, मेले में आरोपी नौशाद ने काटी थी पीड़िता के हाथ की नस, बढ़ाई गई हत्या की धारा। मिर्जापुर में पिकअप की टक्कर से 2 युवकों की मौत, टायर फटने से अनियंत्रित हुई थी पिकअप, बाइक से घर जा रहे थे दोनों। चंदौली प्रशासन त्यौहार को लेकर अलर्ट, डीएम ने 5 सुपर जोनल, 15 जोनल और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट को कानून व्यवस्था के लिए किया तैनात। कन्नौज में अनियंत्रित कार पलटी, दंपत्ति व बच्चा घायल, सैफई मेडिकल कॉलेज को लेकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा।
आसपास सफाई कर डेंगू से कर सकते हैं बचाव। गाजीपुर में डेंगू पॉजिटिव मरीजों पर इजाफा, हर रोज 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। सीतापुर में कोटेदार को पीटने वाले एसडीएम का तबादला, कमरे में बंद करके तिथि पिटाई, राखी वर्मा को मिला कार्यभार। सुल्तानपुर में बाइक सवार सिपाही को डंपर ने मारी टक्कर, सिपाही के सिर और चेहरे पर आई चोटें, ट्रामा सेंटर लखनऊ में रेफर, ढाबे पर जा रहा था। मैनपुरी में नवविवाहिता ससुराल से लापता, पिता बोले हत्या कर शव को जलाया, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। कानपुर देहात में यमुना नदी में मिला चौकीदार का शव, दो दिन से था लापता, परिजन बोले हत्या करने के बाद नदी में फेंक दिया। गोंडा में समस्या का समाधान न होने पर नाराज युवक, चढ़ा पानी की टंकी पर, मंदिर पर दबंग द्वारा कब्जा करने का है मामला। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया आदेश, दीपावली त्योहार पर मिले निर्बाध बिजली। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिया मऊ जिले को दिवाली पर बड़ा तोहफा, जिले में अब बनेगा मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी। दिवसीय दीपोत्सव का हुआ आगाज, मुख्य मंच के सामने बनाया जा रहा दियो से राम मंदिर, लेजर शो बना आकर्षण का केंद्र। अलीगढ़ में दहेज लोभी पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर दी 3 तलाक, पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। अलीगढ़ में गांधी पार्क पुराने बस स्टैंड के सामने डिवाइडर पर चढ़ी अनियंत्रित रोडवेज बस, बड़ा हादसा होने से टला। अमेठी में पटाखे की दुकानों के संबंध में एसपी का कड़ा निर्देश, दुकान से उचित दूरी पर लगाने के दिए निर्देश। औरैया में गैर कानूनी आतिशबाजी को लेकर प्रशासन सख्त, दीपावली को देखते हुए सीओ महेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम लवगीत कौर ने किया पैदल मार्च। अमेठी में प्रधानमंत्री मोदी पर उदित राज टिप्पणी को लेकर संत समाज में आक्रोश, अभय चैतन्य मौनी महाराज ने उदित राज के खिलाफ जताया विरोध। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, बदमाशों के कब्जे से बाइक, तमंचा व कारतूस हुए बरामद। हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक हो जाता है, कांग्रेस अंत की ओर है। फरुखाबाद में अनिल प्रताप सिंह ने भाजपा से निकाय चुनाव में मिला टिकट, टिकट मिलने पर जनता की सेवा करने की बात कही। गोंडा में नकली सरसों तेल की फैक्ट्री का भंडाफोड़, खाद्य विभाग की फैक्ट्री पर छापेमारी, 10,095 लीटर खाद्य तेल को किया जब्त। लखनऊ में दिवाली व धनतेरस के शुभ अवसर पर छात्राओं ने बनाई रंगोली, ऐतिहासिक इमारत घंटाघर पर छात्राओं ने बनाई रंगोली। सिद्धार्थनगर में अचानक कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से धू कर जलने लगी कार, पुलिस के सूझबूझ से कार सवार सुरक्षित निकाले गए। सीतापुर में नाले में डूबकर मासूम की मौत, बहन के साथ बाजार सामान लेने गया था, मछली पकड़ते समय नीचे गिर गया।
रायबरेली में अजगर ने निगला नीलगाय का बच्चा। बछरावा में धान के खेत में पड़ा था 8 फीट का अजगर, वन विभाग ने रेस्क्यू कर पकड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं को बांटे टैबलेट। बलरामपुर में 3 संस्थानों में 493 बच्चे को मिला लाभ। रामपुर में मशहूर रस्क ट्रेडमार्क को लेकर विवाद। पुलिस ने एक बेकरी पर लगाया ताला, पीड़ितों ने डीएम और एसपी से लगाई गुहार। शामली में थानों में लगा समाधान दिवस, समस्याओं के निस्तारण कर दिया गया समय। धनतेरस को लेकर बाजारों में बढ़ाई गई सुरक्षा। औरैया में विधुना की पूर्व चेयरमैन सीमा मिश्रा का निधन। लंबे समय से कैंसर से थी पीड़ित, मुंबई में चल रहा था इलाज। मथुरा में दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से दो नपत जलकर राख हुए। 2 घंटे में फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रायबरेली में खोया मंडी में प्रशासन ने मारा छापा, मक्खियों से भरा मिला खोया तो कहीं कारखाना की मानकी के विपरीत। शाहजहांपुर में सक्रिय हुए साइबर ठग, मोबाइल पर भेजे जा रहे लिंक, क्लिक करते एक खाते से उड़ जाते हैं रुपए। झांसी में ट्रक ने 2 मजदूरों को रौंदा, मौके पर मौत। नेशनल हाईवे पर ड्रम बालू की खरखवाली कर रहे थे, ट्रक ने बैग लेते समय कुचला। गोरखपुर में देवर ने भाभी को मार डाला शराब के नशे में, सिर पर रॉड से हमला किया। दिव्यांग पति और बच्चों के साथ रहती थी महिला। आपदा प्रबंधन की वर्कशॉप में शामिल हुए 466 एनसीसी कैंडिडेट। गाजीपुर में आग, भूकंप से बचाव पीड़ितों की मदद के दिए गए टिप्स। गोंडा में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, विधायक प्रतीक भूषण बोले विश्व गुरु बनने के लिए अर्थव्यवस्था का रखना होगा ध्यान। सास के साथ जा रही दो बहुओं से छेड़खानी, फतेहपुर में विरोध पर सास का सिर फोड़ा। 3 आरोपियों को एक लाइनमैन भी शामिल। देवरिया में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही, टीबी के मरीज को लगा एक्सपायरी इंजेक्शन का, हालत गंभीर। लाखोद्वीप से जगमगा उठा बाबा तामेश्वरनाथ धाम, भक्तिमय माहौल में डूबा संत कबीरनगर। हर तरफ हर हर महादेव, जय श्री राम की गूंजे जयकारे। महिला को बंदरों ने दौड़ाया छत से गिरकर मौत, उन्नाव में छत पर कपड़े फैलाते समय पहुंचा बंदरों का झुंड, बचने को भागते समय फिसल गया पैर। शाहजहांपुर में 2 ठग पकड़े गए, लोको पायलट बताकर रेलवे में नौकरी दिलाने का देते थे झांसा, 50 लोगों से ऐठे 80 लाख रुपए। दीपोत्सव पर अयोध्या में रूट डायवर्जन, बॉर्डर से भारी वाहनों की नो एंट्री, प्लान बढ़ने के बाद शॉपिंग के लिए निकले। बिजनौर में बिना फिटनेस दौड़े हैं सैकड़ों एम्बुलेंस, मरीजों की जान से खिलवाड़ कर चहेते डॉक्टरों के पास पहुंचा कर ले जाते हैं कमीशन। कुशीनगर में रिश्वत लेने वाले सीडीओपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, डीपीओ ने कराई एफआईआर। टॉर्च लाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लिया था 3000। ट्वीट करने पर पत्रकार को ऑफिस में घुसकर पीटा, ट्वीट करने से होटल बाजार एक गाड़ी का कटा था चालान, एक आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में दीपावली के लिए गरीबों की बांटी गई मिठाई, लोगों से गरीब की मदद करने की अपील की गई।
महोबा में दबंगों ने मां बेटी को पीटा, मजदूरी करने से मना करने पर पीटा, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, एसपी से शिकायत की। बहराइच में रोजगार मेला का आयोजन, 1.248 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग, 245 को दिया गया नियुक्ति पत्र। बाराबंकी में क्लासरूम में दो महिला शिक्षकों में मारपीट, बच्चों के सामने प्रधानाध्यापिका का दबाया गला, मारे थप्पड़। बांदा में पुरानी रंजिश में अधेड़ कुमारी गोली, 4 साल पहले हुए गोलीकांड का गवाह, गंभीर हालत में कानपुर रेफर। कन्नौज में डकैती की घटना में 32 साल बाद न्याय, आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई, 5,000 का जुर्माना लगाया गया। हरदोई में आरपीएफ ने चलाए अभियान, यात्रियों को किसी अनजान व्यक्ति से खान पान की सामग्री न लेने की को किया जागरूक। हमीरपुर में लोडर सवार दो युवक की हादसे में मौत, 5 लोग घायल, अल्ताफ राजा के शो से लौट रहे थे, ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। मैनपुरी में नाबालिग से कुकर्म बहलाकर साथ ले गया आरोपी, जंगल में घटना को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। संभल में भरभराकर गिरी कच्ची छत, मलबे में दबकर ये की युवक की गंभीर हालत, सूचना पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। शामली में धनतेरस पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, छात्राओं ने ग्रुप बनाकर बनाई रंगोली, विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित। ललितपुर में किशोरी से दुष्कर्म, धमकी से सहमी पीड़िता, कपड़ों पर खून के निशान से सामने आया, सच, बहन के घर आई थी किशोरी। युवक ने ब्लेड से गला काटकर सुसाइड की कोशिश की थी, मां के साथ मंदिर दर्शन करने गया था, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस